वेलकम बैक वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे अल्टकॉइन के बारे में जिसको मैं समझता हूं कि हमको उसके अंदर एक प्रॉफिट मिल सकता है। मेन और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बता दूं कि यहां पर किसी को कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ सिर्फ आपको मैं सजेशन दे रहा हूं कि इन कॉइन्स पे आप नजर रखिए, इंशाल्लाह तआला आपको उसके अंदर प्रॉफिट बन सकता है। एक और चीज यहां पर आपको मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, दोनों जगह लिंक है, आप सबसे पहले उसको जाकर ज्वाइन करो। वहां पर हम सिग्नल शेयर कर रहे हैं अल्टकॉइन के रिलेटेड, अभी तक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट मेंबर्स को शेयर किया हुआ, तो लिंक है, जाकर तुरंत आप ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो में एम करते हैं 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स का। बहुत मेहनत लगती है वीडियो का कॉन्टेंट बनाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, कॉमेंट करो इस वीडियो के अंदर। प्लस अगर आपके पास कोई सजेशन है कॉइन के रिलेटेड तो वो भी आप प्लीज कॉमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो तीन कॉइन्स की बात करूंगा, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल बात करने की कोशिश करूंगा। एक है आपका कॉस्मोस, जिसका शॉर्ट की होता है COS, दूसरा होता है आपका IOST और तीसरा होता है BLZ। ये तीनों कॉइन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, तीनों के न्यूज को लेकर मैं बात करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा IOST के बारे में, क्योंकि सतोशी में लो लेवल पर प्राइस पर है और मैं ये समझता हूं कि इसका मंथली एयरड्रॉप एंड होने वाला है, मे बी चांसेस है कि उसके बाद मार्केट में हलचल हो। सेकंड में यहां पर IOST की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर टेक्निकली बड़ा मैं समझता हूं हमको एक अच्छा कंसेप्ट देखने को मिल रहा है IOST के अंदर। देखिए मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी IOST को हमने बॉटम पर बाय किया हुआ, मैं समझता हूं 25 से 30 सतोशी पर हमने उसको बाय करके रखा हुआ है IOST के ऊपर। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहो तो आप ये वीडियो जाकर देखो जहां पर मैंने यहां पर IOST 2000% प्रॉफिट, तो ये वीडियो आप जाकर देखो जहां पर हमारा 5 महीने पहले ही आपको अलर्ट दिया था। मैं दोबारा आपको टेक्निकल बेस पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना हमारा चांसेस है मार्केट का। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए आप कि आप कभी भी अल्टकॉइन को अगर आप बॉटम पर बाय करते हो या उसके सही टाइम पर बाय करोगे तो आपको हेल्दी बेनिफिट मिल सकता है। ऑलरेडी जो हमारा चैनल था उसके अंदर हमने एंट्री पॉइंट दिया था, वहां से हम हेल्दी प्रॉफिट में ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर हमने करीब बाय किया हुआ था। और टेक्निकली बात करूँ तो एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिला था, उसके बाद हमने इसको किया था परचेस। सेकंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हमारे पास बना हुआ है एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न। देखिए एक तो यहाँ पर है कि भैया इसके ऊपर न्यूज है, लगभग 1 अगस्त आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस है 2024 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये आपको चेक करना है इसका सोर्स प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कॉइन मार्केट कैल के हिसाब से न्यूज बता रहा हूँ, बट अगर ये न्यूज सही है तो आप इसको क्रॉस चेक करो इनके वेबसाइट पर जाकर। बट यहाँ पर मैं टेक्निकल के हिसाब से भी अगर बात करूँ तो IOST एक अच्छे लेवल पर है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। आप अगर उसको बाय करने का प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको मैं मल्टीपल एनालिसिस बेस आपको आइडियाज देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमको इतना पता है कि मार्केट टेक्निकल अच्छा रिस्पेक्ट करता है। मैं यहाँ पर डे का चार्ट लगा देता हूँ, आपको एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको अगर एंटर करना है तो आप 0.5 सतोशी से लेकर 0.61 सतोशी के बेस पर एंट्री करो, मतलब 35 सतोशी, 37 सतोशी और 44 सतोशी का लेवल, ये दो आपके बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये आपको एंट्री के लिए बड़ा यूजफुल रहेंगे और इन दो लेवल के बेस पर आप मार्केट में करो एंट्री। स्टॉप लॉस अगर आप मान के चलो अगर आप फिफ्थ लेवल 0.3637 पर भी एंट्री कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस नियरेस्ट 26 सतोशी का रखो। देखिए अगर आपको ये लेवल पर एंट्री करना है तो आप ब्लाइंडली एंट्री मत करो, आप बेसिकली वहां पर कोई ना कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक्स बनता है या नहीं बनता है आप सबसे पहले उसको देखो, और अगर आपको वहां पर रिवर्सल कैंडलस्टिक्स बनता है तो फिर आप उसके बेस पर उसको परचेस करो। और मैं समझता हूँ कि आप अगर रिवर्सल कैंडल के बेस पर एंट्री करेंगे तो आपका फायदा उसमें यह रहेगा कि आप बेसिकली उसके अंदर एक कंफर्म एंट्री कर पाएंगे और उसके बेस पर फिर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते। तो बेसिकली यहां पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर एंट्री करना चाह रहे हो तो रिवर्सल कैंडल का वेट करो फिबोनाची बेस पर। अगर आपको फिबोनाची बेस एंट्री मिलती है और रिवर्सल कैंडलस्टिक्स इन दो लेवल पर मिलता है 0.5 और 0.6 में, ज्यादा चांसेस तो यही है कि 0.5 से रिवर्सल हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप वहां पर बाय करो। और आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि आप अगर उस लेवल पर बाय कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट बेसिकली आपको जो सेट करना है अकॉर्डिंग टू द मल्टी चार्ट एनालिसिस के बेस पर, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप फर्स्ट टारगेट डिटरमाइन करो अपना नियरेस्ट समझता हूं मैं 96 सतोशी पर, ठीक है। और मैं एक चीज दोबारा रिपीट करवा दूं, यहां पर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, ठीक है।
तो फर्स्ट टारगेट अगर आपको पॉइंट मैं समझता हूँ 41 सतोशी के करीब या आसपास उसकी अगर एंट्री मिलता है, या 44 सतोशी के करीब अगर आपको एंट्री मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बाय करना है, लेकिन बाइंग कंफर्मेशन कैंडलस्टिक के बेस पर आना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 95 सतोशी का, सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 132 सतोशी, और लास्ट या थर्ड टारगेट की बात करूं तो 168 सतोशी का यहां पर थर्ड आपका टारगेट है। देखिए मैं ये मिनी टारगेट रैली आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट यहां से अब जाएगा तो मिनी टारगेट के हिसाब से मार्केट कितना हाई जा सकता है और कितना मार्केट का लो होने का चांस, तो बेसिकली ये आपके मिनी टारगेट है। लेकिन मैं यहां पर इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको बॉटम पर बाय करने का मौका मिलता है तो आप इसको एटलीस्ट हायर पोजिशन पर सेल करो। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है एक हेड एंड सॉरी एडम और ईव पैटर्न का। मैं इसको एडम और ईव पैटर्न क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, ये मार्केट का फॉर्मेशन हमको इजीली और हायर लेवल पे देखने को मिलेगा। मतलब फिल वक्त के अंदर इतना कंफर्म है कि भैया मार्केट यहां से इजीली हाई जा सकता है। मतलब कैसा, सिंपल है, देखिए हमको इतना पता है एडम और ईव फॉर्मेशन जो होता है बेसिकली वो इसी तरह कुछ फॉर्मेशन के बेस पर हमको देखने को मिलेगा, और मेरा ये पूरा एस्टिमेशन है कि मार्केट जैसे तैसे करके नेकलाइन तक यानी 320 सतोशी तक जाएगा, और एक बार आपका मार्केट जब नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा, देखिए इतना याद रखिए जो फॉर्मेशन है वो बड़ा क्लासिकल होता है और पैटर्न वर्क भी बहुत अच्छे से होता है, तो एक बार आप याद रखिए अगर मार्केट यहां से नेकलाइन तक पहुंचते ब्रेकआउट करता है, जो कि यहां से नेकलाइन यानी 370 सतोशी का टारगेट है, जो कि ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कितना परसेंट हो रहा है, 1680, मतलब 16x का तो यहां पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है ऑन द नेकलाइन। और अगर हम आफ्टर नेकलाइन का इसका टारगेट सेट करें तो आप अगर देखेंगे तो नियरेस्ट वो आपका बन रहा है कहां पर, अगर आप उसके बाद यहां पर 1000% का टारगेट सेट करना चाहोगे, जैसे कि मैं यहां पर 1600 का टारगेट लगाता हूं, तो ये तो बहुत ज्यादा हायर जा रहा है लॉगरिथमिक टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। बट यहां पर आप याद रखिए कि बाइंग अगर आपको मार्केट में बॉटम अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एटलीस्ट आप उसको पिछले जो ऑल टाइम हाई है उसके करीब सेल करने की कोशिश करो। ये आपको मैं BTC चार्ट बता रहा हूँ जो कि नियरेस्ट कितना है 4000% एग्जैक्टली 4000% का यहाँ पर मार्केट अप जाने का चांसेस है। टेक्निकल के बेस पर तो यहाँ पर क्लियर है क्या मार्केट यहाँ पर जो फॉर्मेशन कर रहा है वो बेसिकली कर रहा है एक एडम और ईव पैटर्न। अब अगर हम ये भी कह दें यहाँ पर कि भाई एडम और ईव पैटर्न, अब देखिए इतना याद रखिए ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्मेशन, बनने के लिए लंबा टाइम लेगा, और लेकिन जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा तो भी यहां पर बहुत हाई तरीके से मार्केट हिट कर सकता है। हम सभी को पता है अल्टकॉइन सीजन बहुत करीब है, हम सभी को पता है मार्केट यहां से बहुत ज्यादा हायर जा सकता है, तो एटलीस्ट मैं समझता हूं कि अगर मार्केट को हाई जाना है या मार्केट पिछला ऑल टाइम हाई या क्लोजिंग कैंडल के भी करीब जाता है तो आपको एक हेल्दी परसेंटेज रिटर्न देखने को मिलता है। बेसिकली आई थिंक यहाँ पर परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट किए तो 2000% हो रहा है, और एग्जैक्टली यहाँ तक कैलकुलेट किए तो नियरेस्ट 4000% के करीब बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिल वक्त में बन रही है। अब देखिए अब मैं एक और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, हमने फिलहाल इस पैटर्न को लिए तो ये बेसिकली आपका एक एडम और ई फॉर्मेशन में बन रहा है, बट अगर मैं इसको कैलकुलेशन में लेता हूँ तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक एडम है और बेसिकली ये आपका एक ईव बन रहा है। इसके मल्टी उसके बेस की बात करें तो हमको क्लियरली यहां पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां पर जो है और ज्यादा हायर, अगर मतलब हम ये फॉर्मेशन लेके हम ये माने कि भाई अगर ये बिगर रेंज में एडम और ईव फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका टारगेट मैं समझता हूँ अनवल टाइम के अंदर 1064 सतोशी के करीब हमको देखने को मिल रहा है, मतलब 16410 नियरेस्ट आप देख सकते हो 16000 सतोशी के करीब मार्केट के चांसेस है IOST का लॉन्ग टर्म के अंदर। ये को माइनर टर्म के लिए, कल के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए नहीं बता रहा या एक साल के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर मार्केट बुलरन में रैली पकड़ता है तो इतना ज्यादा हायर जाने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। तो टेक्निकल भी हमको मिल रहा है, फंडामेंटल भी न्यूज है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखो और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम के अंदर, तो ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव मैं समझता हूँ कि हमको प्रॉफिटेबल कंसेप्ट IOST के अंदर देखने को मिल रहा है। सेकंड में यहाँ पर एनालिसिस करना चाहूंगा COS, जिसका 30 सितंबर 2021 को मेननेट वर्जन 2.0 रिलीज होने जा रहा है और 31 मार्च को मेननेट शेड ऑन टेस्टनेट होने जा रहा है।
तो COS का भी फंडामेंटल तो काफी बेहतरीन है। अभी हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल, टेक्निकल कितना और ज्यादा BTC पेयर के अंदर, क्योंकि डॉलर वैल्यू तो कुछ और है, BTC पेयर के अंदर कितना चांसेस है जाने का, वो आपको यहां पर बताने से पहले मैं इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करना चाहूंगा, वीक में बोलो या आप बेसिकली मंथ में बोलो, क्योंकि यहां पर बेसिकली पिछला जो सपोर्ट था मार्केट उसको कर रहा है होल्ड, और मंथली कैंडल के अंदर यहां पर चांसेस है कि बुलिश एंगल्फिंग बने। अगर ये बुलिश एंगल्फिंग मंथली क्लोजिंग कैंडल में बनता है तो करंट कैंडल से एटलीस्ट हम इसका एस्टिमेशन पिछले ऑल टाइम है कि करीब भी ले तो नियरेस्ट 200-300% के करीब देखने को मिल रहा है। और हम सभी को पता है कि जब भी मार्केट आपका ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, मतलब जब भी मार्केट पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हमको इतना पता, सॉरी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो इतना पता है कि जितना मार्केट का हाइट होता है एटलीस्ट उसका डबल मार्केट हाई जाता है, एटलीस्ट उसके जो हाइट के हिसाब से हाई जाने का चांसेस है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक हेल्दी रिटर्न बेसिकली हमको देखने को मिल सकता है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि अगर हम इसको वीक में देखा जाए तो 300-350% के करीब तक का ऑल टाइम हाई जाने का चांसेस फिल वक्त में COST यानी कॉस्मोस बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए फिल वक्त में IOST का काफ़ी हाई रिटर्न वैल्यू देखने को मिल रहा है टेक्निकल के बेस पर, लेकिन इसकी अगर बात करें तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसका, मैं जो कर्सर लेके जा रहा हूँ ये इसका टारगेट है, तो साइड में आपको प्राइस टारगेट आ रहा है उसके बेस पर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक सभी को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैं किसी को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने की कोशिश में है तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जाकर देखो, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक एक, एक आइडिया दे रहा हूँ कि भैया मार्केट पिछले सपोर्ट पर है, चांसेस ये बनने का है, और मार्केट अगर ये फॉर्मेशन करेगा तो मार्केट और कितना ज़्यादा हाई जा सकता है। नेक्स्ट में जो लास्ट कॉइन की यहाँ पर बात करना चाहूंगा वो है BLZ। BLZ का मेननेट लॉन्च होने जा रहा है जो कि 23 जैन, आई थिंक इसका मेननेट एक दो दिन में लॉन्च है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे क्या फिल वक्त में BTC पेयर के अंदर टेक्निकली मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है और क्या चांसेस बन सकता है। देखिए एक तो मार्केट पिछला जो सपोर्ट लेवल था उसके करीब मंथ के अंदर आ चुका है, सेकंड मार्केट यहां से डाउन जाने के बाद अब जाने का चांसेस बन रहा है। मतलब अगर हम ये एस्टिमेशन लेके भी मंथली यहां पर हमको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले जो कि मार्केट कर सकता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन टारगेट है। अगर आप शॉर्ट टर्म कॉइन्स भी चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है ताकि मैं फिर आपको शॉर्ट टर्म कॉइन चूज करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। पर्सनल एस्टिमेशन तो यही दिख रहा है कि मार्केट इस टाइप का कोई पैटर्न फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर सकता है हायर रैली पर। मैं आपको बता दूं ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, स्टॉप लॉस में यहां पर कोई क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम में टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट फ्लक्चुएशन कर सकता है। तो ये एक तरीके से रिस्की ट्रेड भी आपके लिए बन सकता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं हो तो हमको कितना होल्ड करना उसका आइडिया नहीं है, और अगर स्टॉप लॉस बनेगा भी तो 60-70% का हमको रिस्क यहाँ पर हमको रखते हुए हमको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो BLZ का तो थोड़ा यहाँ पर रिस्की मामला है, लेकिन यही है लॉन्ग टर्म टारगेट है, मार्केट एक्युमुलेशन लॉन्ग टर्म कर सकता है, उसके बाद ही मार्केट हाई जाएगा। जैसे यहाँ पर देखने को मिला था, यहाँ पर लगभग मार्केट ने 9 to 12 months के करीब, यानी नियरेस्ट 1 year के करीब मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद जाकर मार्केट ने यहां से जंप लिया था 7 या 6x का। यहाँ पर भी एस्टिमेशन में कर सकते हैं हम कि भाई कुछ महीना एक्यूमुलेशन करेंगे उसके बाद मार्केट जंप कर सकता है अपसाइड के अंदर, और अगर ये टारगेट ब्रेकआउट होता तो फिर मार्केट नियरेस्ट 10x के करीब तो जाएगा ही जाएगा। तो इतना ही बोलना चाहूंगा गाइस कि फिल वक्त के अंदर यहां पर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज के अंदर बन सकता है। तो आप इस कॉइन को भी, BLZ कॉइन को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, और चांसेस है कि इसके अंदर आप एक लॉन्ग टर्म में या एक शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट गेन सकते हैं। लेकिन मैं कॉइन जो बताइए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, क्योंकि IOST, कॉस्मो और BLZ, COS, जो ये जो कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली इनका टेक्निकल अगर आपको नॉलेज है तो ही आपको इसके अंदर एक हेल्दी रिटर्न बन सकता है, वरना अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो फिर मैं इतना ही बोलूंगा कि आप इस मार्केट से दूर रहो। क्योंकि जो प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस थी जहां पर आपको आग बन करके इन्वेस्टमेंट था वो नियो कॉइन था जो कि मैंने आज से 4 महीना पहले किया था, XCM कॉइन था जो से मैंने आज से आपको 4 महीना पहले बताया था, IOST कॉइन था जो कि मैंने आपको 5 महीना पहले, और इथेरियम प्रॉमिसिंग सेटअप जो कि मैंने आपको बोला था 5 महीना पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चेनलिंक $20 का टारगेट था, ऑलमोस्ट मार्केट उसके हायर पे चल रहा है, क्यू टर्म हो गया,
रिप्पल हो गया, कार्डानो नियरेस्ट 500% प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। तो प्रॉमिसिंग सेटअप जो आप मेरे एडवाइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बस पैसा डाल के छोड़ सकते थे, वो मैंने ऑलरेडी 5 से 6 महीने पहले आपको वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे दिया था, बट पता नहीं कितने ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। फिलहाल जो आपको आइडिया उसमें दे रहा हूँ ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप जाकर ज्वाइन करो, सारा का सारा आपको वहां पर अपडेट मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो फिल वक्त के लिए वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियोस ला सकूं।